हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली यम विद शाइना। और मैं हूं आपकी किचन फ्रेंड शाइना, जो लेकर आई हूं एक और यमी सी डिश, जो है चिकपीस के छोले, जो होती हैं ऑल्स फेवरेट। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज जो मैं छोले बना रही हूँ उसका नाम है प्याजी छोले। इसका नाम प्याजी छोले इसलिए क्योंकि इसमें रिलेटिवली प्याज का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। प्याज का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम्स चिक पीस यानी काबुली छोला, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था वॉश करने के बाद। तो अब मैं इसे सबसे पहले बॉईल करने के लिए रखूँगी विथ 3 मीडियम साइज पोटैटोज। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप वाटर और थोड़ा सा सॉल्ट। तो जब तक हमारा चिक पीस बॉयल हो रहा है, हम यहाँ ऑनियन काट लेंगे। यहाँ मैंने लिया 3 ऑनियन, 2 बड़ मीडियम और एक स्मॉल साइज़ का। अब जिस कुकर में हमने चिक पीस को बॉयल किया था उसी कुकर में हम ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे बे लीफ। बे लीफ ऐड करने के बाद हम उसमें क्विमिन सीड ऐड करेंगे और ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है, आप पहले हींग डालें उसके बाद प्याज ऐड करें। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, ताकि हमारा ऑनियन अच्छे से भुन जाए, गोल्डन ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। उसके बाद बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की। तो हम यहाँ पर मसाला ऐड करेंगे, लेकिन मसाला डालने से पहले हमें वेट करना है ताकि हमारा ऑनियन अच्छे से कैरमलाइज्ड हो जाए। इट मींस कि वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ट्रांसलूसेंट होने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें मसाले हमारे ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है पेस्ट वाला मसाला, जिसमें मैंने क्यूमिन सीड, गार्लिक और जिंजर को पेस्ट में कन्वर्ट करके लिया है। इसके बाद हम यहाँ लेंगे टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून, क्यूमिन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा गर्म मसाला अबाउट 1/2 टेबल स्पून। इसको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे, मिला लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक भुनेंगे। इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि कहीं भी मसाला का स्मेल ना रहे। देखिए यहाँ पे अब हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारे बॉइल्ड चिक पीस। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड चिक पीस। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसको अराउंड 5 मिनट्स के लिए अच्छे से पानी जो उसमें था उसको ड्राई होने तक भुनेंगे। उसके बाद जब हमारा पानी पूरी तरीके से सूख जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से भुनने के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 कप्स वाटर। आप यहाँ देख सकते हैं ऑनियन काफ़ी ज़्यादा है चिक पीस के वनस्पत, इसलिए हम इसका नाम दिए हैं प्याजी छोले। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वाटर। पानी ऐड करने के बाद हम इसको लेड लगा कर के रख देंगे। फर्स्ट 3 विसल आने तक इसको पकने देंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर डाउन होने के बाद हम चेक करेंगे हमारे छोले गले हैं या नहीं, हमारा आलू मैशी हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम आलू को मैश कर देंगे ताकि हमारे छोले थोड़े थिक हो जाएं। और अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे हम इसको किसी बाउल में निकाल करके। तो रेडी है हमारे गर्मा गर्म छोले, प्याजी छोले। इसको हम सर्व करेंगे कोरिएंडर लीफ और हमारे भुने हुए प्याज के साथ। आप भी लुफ्त उठाएं और अपने फैमिली वालों को भी ज़रूर टेस्ट करवाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी बनी है आपकी ये रेसिपी। होप कि आपको रेसिपी पसंद आई हो। थैंक यू।